हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग पपाया सोप बनाएंगे। सो बेसिकली ये सोप आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को नेचुरली लाइटन, ब्राइटन और वाइटन बनाएगी। ये आपकी स्किन पर से किसी भी तरह के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और सन टैन को कम्प्लीटली रिमूव कर आपके स्किन टोन को भी इवन बनाएगी। साथ ही आपकी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज और टॉक्सिन्स रिमूव कर आपकी स्किन को डीप क्लेंस भी करेगी। ये आपकी रूखी सूखी बेजान त्वचा को बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और सफल बनाएगी। ये आपके एक्ने और पिंपल्स को भी क्योर करेगी। प्लस इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा फेयर, स्पॉटलेस और ग्लोइंग दिखाई देने लगेगी। तो आइए इस अमेजिंग सोप को बनाना शुरू करते हैं। पपाया सोप बनाने के लिए मैंने ये 1 कप पपाया को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट करके ले लिया है। तो अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें ये कट करा हुआ पपाया डालेंगे। जार का ढक्कन लगाएंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड करके इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने पपाया को ग्राइंड करके इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम एक क्लीन बोल में ये 2 चम्मच पपाया के पेस्ट को एक छन्नी की हेल्प से छान लेंगे। तो यहाँ ध्यान रखें कि इसे एकदम बारीक छन्नी में ही छाने, क्योंकि जितना आपका पेस्ट स्मूथ होगा आपकी सोप भी उतनी ही ज़्यादा स्मूथ बनेगी। तो यहाँ आप देखिए, मैंने पपीते के पेस्ट को छानकर बोल में अलग निकाल लिया है। पपीता यानी कि पपाया हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को नेचुरली लाइटन, ब्राइटन और वाइटन बनाता है और साथ ही हमारी स्किन पर से किसी भी तरह के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और सन टैन को कम्प्लीटली रिमूव कर हमारे स्किन टोन को भी इवन बनाता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल में कूलिंग एंड सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारी स्किन को ठंडक तो देता ही है, साथ ही हमारी सन डैमेज स्किन को भी रिपेयर करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 1 चम्मच शहद यानी कि हनी ऐड करेंगे। शहद हमारी ड्राई, डल, फ्लेकी स्किन को डीप मॉइस्चराइज कर बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है और साथ ही हमारी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज और टॉक्सिन्स रिमूव कर हमारी स्किन को डीप क्लेंस भी करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 4-5 ड्रॉप विटामिन ई ऑयल ऐड करेंगे। विटामिन ई ऑयल हमारी स्किन पर ग्लो लाता है और साथ ही हमारे साइंस ऑफ एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है। और अब हम लास्ट में इसमें 7-8 ड्रॉप्स टी ट्री एसेंशियल ऑयल ऐड कर देंगे। टी ट्री एसेंशियल ऑयल हमारे एक्ने और पिंपल्स को तो क्योर करता ही है, साथ ही हमारी स्किन पर से किसी भी तरह के इन्फेक्शन को भी एकदम जड़ से ख़त्म कर देता है। तो ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यह मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देखिए, हमारा पपाया का मिक्सचर बनकर एकदम तैयार है। नेक्स्ट, मैंने ये 60 ग्राम ग्लिसरीन सोप बेस ले लिया है। ये आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएगा या फिर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और इसे परचेज करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो सबसे पहले हम इस सोप बेस को छोटे छोटे पीसेस में इस तरह कट कर लेंगे ताकि हमारी सोप इजीली मेल्ट हो जाए, या फिर आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, उससे भी सोप बहुत इजीली मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ आप देखिए, मैंने सोप बेस को छोटे छोटे पीसेस में इस तरह कट कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट, मैंने ये सिलिकॉन का सोप मोल्ड ले लिया है। ये भी आपको ऑनलाइन बहुत ही इजीली मिल जाएगा और इसे परचेज करने का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब हम एक भगोने में पानी लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे। और जैसे ही पानी में उबाल आएगा, हम इसमें इस तरह एक पैन रखेंगे और इसमें ये कट करा हुआ सोप बेस डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे और इसे लगातार इस तरह चलाते हुए मेल्ट करेंगे। तो यह सोप बेस को मैं डबल बॉयलर मेथड की हेल्प से मेल्ट कर रही हूँ, पर आप चाहें तो इसे 30 सेकेंड्स माइक्रोवेव में रखकर भी मेल्ट कर सकते हैं। पर ध्यान रखें कि आपको इसको डायरेक्ट गैस पर मेल्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ आप देखिए, हमारी सोप बेस अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसमें ये पपाया का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी सोप बेस में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यह मिक्सचर डालने के बाद ध्यान रखें कि इसे हमें बहुत देर तक नहीं चलाना है, हमें इसे जस्ट मिक्स करना है। तो यह मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देखिए, हमारा सोप का मिक्सचर बनकर एकदम तैयार है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और मिक्सचर को तुरंत ही सोप मोल्ड में ट्रांसफर करेंगे। तो यह मैंने मिक्सचर को सोप मोल्ड में ट्रांसफर कर दिया है। तो अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारी सोप अच्छे से सेट हो जाए। तो यह लगभग 1 घंटा हो चुका है, मैंने सोप मोल्ड को फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है, हमारी सोप भी अच्छे से सेट हो गई है। तो चलिए अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं।
तो यहाँ आप देखिए हमारी सोप कितनी स्मूथ बनी है और कितनी इजीली बाहर निकल आई है। ये पपाया सोप आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को बहुत ही ज़्यादा फेयर और ग्लोइंग बनाएगी। ये आपके स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और सनटेन को भी रिमूव करेगी। ये आपकी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज और एक्सेस ऑयल रिमूव कर आपके एक्ने और पिंपल्स को भी क्योर करेगी। प्लस इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और सफल हो जाएगी। तो आप इस अमेजिंग सोप को ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितनी इफेक्टिव है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।